शांति शांति अनिर्वाच्य विद्या द्वितय सचिवस्य प्रभवतो विवर्ताय शैते वियदनिलतेजो भवनयः यतश्चाभूद्विश्वं चरमचरमोच्चवचमिदं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानमृतम्। ओम शांति शांति शांति। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा अथ शब्द का अर्थ हुआ साधन चतुष्टय संपत्ति के अनंतर। दूसरा शब्द है अतः, अतः का हेतु अर्थ है। म्यूट नहीं है वे, किसका किसका नारायण म्यूट नहीं है, म्यूट कर ले। तो अतः शब्द हेतु अर्थ में है, तो कौन सा हेतु हुआ? तो कहा जा रहा है कि जो भाई कर्मा है, उपासना है, जितने भी साधन है, उसका फल तो अनित्य है, नित्य फल नहीं है। जहां पर नित्य कहा गया श्रुति में भी, अपाम सोमम अमृताभुम, अमृत कह दिया सर्व फल को, अक्षयम भवी चातुर्मास्य जाजिना, चातुर्मास्य जाग का फल जो है अक्षय कह दिया। तो ये जो है सापेक्ष का अमृतत्व है, यहाँ की अपेक्षा से अधिक समय तक स्वर्ग का सुख रहता है, इसलिए उसको अक्षय कह दिया, अमृत कह दिया। पुराण में भी कहा जाता है आभूत संप्लवम स्थानम अमृतत्वम ही भाष्यते, जो वस्तु प्रलय पर्यंत रहता है उसको भी अमृत शब्द से कह दिया जाता है, मतलब जो अधिक समय तक रहता है उसको भी अमृत अनृत शब्द से कह दिया जाता है। जैसे आकाश को भी नित्य कहते हैं, सबका लय होने पर भी आकाश का प्रलय अंतिम में होता है, फिर आकाशाद वायु कह दिया है ना, तो वायु का भी कारण आकाश है, तो सबसे अंतिम में ही आकाश का लय होता है, इसलिए आकाश को भी नित्य शब्द से बोल देते हैं। वास्तविक आत्मा की तरह नित्य है ऐसा नहीं है, है ना। तो ये तात्पर्य हुआ। तो उसके बाद जो है भाष्य में आया ना, देखो कि तथेह कर्मचितो लोक क्षीयते एवमेव अमूत्र पुण्यचितो लोक क्षीयते इत्यादि। यहाँ पर कर्म का फल चाहे यहाँ का हो चाहे परलोक का फल हो, ये सब कैसा है? क्षीयते, नष्ट हो जाता है, नित्य नहीं है। कर्म का फल नित्य नहीं है, और ब्रह्म ज्ञान का फल तो मोक्ष नित्य कहा गया। तथा ब्रह्म विज्ञान तपि परम पुरुषार्थम दर्शयति। यहाँ पर जो ब्रह्म शब्द आया, ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद भी ले सकते हैं, वाचस्पति मिश्र लिखते हैं, अत्र च ब्रह्म पदेन तत्प्रमाणम वेद उपस्थापितः। ब्रह्म पद से ब्रह्म का जो प्रमाण है कौन? वेद। वेद शब्द का उपस्थापन हो जाएगा, अर्थात ब्रह्म शब्द से प्रमाण को ले लो, वेद को ले लो। अ स च यज्ञत्वात्,
पर वेद कहने से तो कर्म कांड भी हुआ और ज्ञान कांड भी हुआ। और कर्म कांड में जो कहा गया तद यथेह कर्मचित्ता लोकक्षीयते हैं इत्यादि ही, अतः सर्वनामना परामृश्य हेतु पंचम्याः निर्दिश्यते। ये जो अतः कहा था ना, अतः शब्दो हेत्वार्थः, ये हेतु हो गया। तो वेद प्रमाण रूपी हेतु से, वेद प्रमाण से कहा गया कि कर्म का फल तो अनित्य है ना। कौन सा वेद वाक्य हुआ? वही तद यथेह कर्मचित्तो लोकः क्षीयते एवमेव अमुत्र पुण्यचित्तो लोकः क्षीयते। ये वेद प्रमाण, वेद प्रमाण से निश्चय हो जाता है कि समस्त फल, चाहे स्वर्ग फल हो चाहे ब्रह्मलोक हो फल हो, ये सब अनित्य होता है। इसलिए यद यद पुण्यचितम तत् तत् अनित्यम, है ना, ये हो जाएगा। और हाँ, यहाँ तक हो गया। इसलिए अतः शब्द का अर्थ होगा हेतु पंचमी, अतः पंचमी विभक्ति है, मतलब वेद प्रमाण से। श्रुति भागवत ये स्वतः प्रमाण है, मूल प्रमाण है श्रुति। श्रुति प्रमाण से निश्चय होता है कि कर्म का फल अनित्य है और ब्रह्म ज्ञान का फल नित्य है। आगे कहेंगे ब्रह्मवेत्ता आपनोति परम, ब्रह्मवेत्ता सो परम पुरुषार्थ को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। अच्छा, स्यात् स्यात् एतत्। हाँ, अव्यय तो है। हाँ, लाइन पर रहो, लाइन पर रहो। तो पाठ देखें। हाँ, तो कोई कहता है कि स्यात् एतत्, भामती में देखो भाई, पेज नंबर स्यात् एतत् 87। स्यात् एतत् मतलब ऐसा हो, यथा स्वर्गादेहे कृतकस्य सुखस्य दुःखानुषंगस् तथा ब्रह्मणोऽपि इत्यत आह तथा ब्रह्मविज्ञानात् अपि। जैसे स्वर्गादि होते हैं सुख, वो तो कृतक होता है, जन्य, कृतक बोलते हैं जन्य को, कर्म से जन्य हो ना, उसका नाम होता है कृतक। स्वर्गादि का सुख भी कृतक होता है, जागादि करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, हैं, बिना जागादि से तो स्वर्ग मिलेगा नहीं। आदि से ले लो, ब्रह्मलोक ले लो, चाहे स्वर्ग हो चाहे ब्रह्मलोक का सुख हो तो कृतक होता है। आ कृतक सुख जो होगा, मतलब वैसे ही का सुख, वो तो दुखानुषंग, उसमें दुख का मिश्रण तो होगा ही नारायण। वैसे का सुख तो दुख से मिश्रित तो होता ही है। तथा ब्रह्मणोपि, इसी प्रकार ब्रह्म भी हो जाए दुख से अनुसंग, क्योंकि ब्रह्म हो गया आनंद स्वरूप। जब आनंद सुख है तो दुख से मिश्रित तो होगा ही होगा, क्योंकि सुख मात्र, जहाँ जहाँ पर सुख रहेगा वहाँ पर दुख तो थोड़ा बहुत रहेगा। तो स्वर्गादि का सुख जैसे सुख होने से दुख मिश्रित तो है, इसलिए का ब्रह्म भी सुख होने से दुख मिश्रित हो जाए। कोई कहे, बोलते हैं ऐसा नहीं है, ये कृतक सुख नहीं होता है, ब्रह्म तो नित्य है और ब्रह्म का स्वरूप भी नित्य होता है, आनंद स्वरूप। इसलिए बोलते हैं तथा ब्रह्म विज्ञानादपि परम पुरुषार्थम दर्शयति। जागादि साधन से जो फल मिलता है स्वर्ग आदि, वो तो अनित्य है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान से जो फल होता है वो परम पुरुषार्थ। स्वर्ग आदि हो गए पुरुषार्थ, लेकिन ये मोक्ष परम पुरुषार्थ है, दोनों में अंतर हो गया ना। इसलिए परम पुरुषार्थम दर्शयति, ज्ञान से परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, यह श्रुति प्रमाण दिखलाती है। ब्रह्मवेत्त आपनोति परम, भाष्य में आया ब्रह्मवेत्ता है ना, परम पुरुषार्थ को
मोक्ष को, नित्य सुखों को प्राप्त करता है। लेकिन वो भी तो ज्ञान से प्राप्त होगा। ज्ञान से जो प्राप्त होगा, प्राप्त होने मात्र से तो अनित्य होना चाहिए, बोलते ये भी दोनों में अंतर होता है। कर्मादि से जो फल प्राप्त होता है वो अप्राप्त की प्राप्ति होती है, और ज्ञान से जो प्राप्त होता है वो प्राप्त की प्राप्ति होती है। ज्ञान केवल अज्ञान मात्र को, आवरण मात्र को है दूर कर लेता है। जैसे अंधकार में कोई वस्तु पड़ी है, अब प्रकाश क्या कर लेता है, केवल अंधकार को दूर कर लेता है। अंधकार की निवृत्ति होने मात्र से वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, वस्तु तो पहले से है, ये कहता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान का फल नित्य फल होता है। कौन सा ज्ञान? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्मवित्त, ब्रह्म वेत्ति इति ब्रह्मवित्त, ब्रह्म को स्वरूप से जानने वाला जो है ज्ञानी, परम पुरुषार्थ को प्राप्त करता है। तात्पर्य क्या हुआ? कर्म उपासना आदि साधन से होने वाला फल अनित्य होता है ना, और ब्रह्म ज्ञान से होने वाला फल नित्य होता है। इसलिए साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी को ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार करना चाहिए, इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या, ठीक है ना। ये तात्पर्य। अतः ये द्वितीय पद हुआ ना, अतः का अर्थ हो गया हेतु। हेतु किस हेतु से? कर्मादि साधन से होने वाला फल अनित्य होता है, अब ब्रह्म ज्ञान से होने वाला फल नित्य होता है, इसमें श्रुति प्रमाण है। श्रुति प्रमाण होने के कारण और महापुरुषों का अनुभव होने के कारण है ना, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी को ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, ये कहेंगे, है ना। अच्छा, ये विचार हो गया। टीका देखो है, ये बात कह रहे हैं टीकाकार, इसी का ही अर्थ है। तेना आयाम अर्थ, इससे ये अर्थ हुआ, भाष्य का ये अर्थ हुआ। अतः द्वितीय पद हुआ ना, अतः देखो बोल रहे हैं, अतः मतलब क्या है? श्रुति प्रमाण से, श्रुति प्रमाण यही हेतु। स्वर्गादीनाम क्षयिता प्रतिपादकता, प्रतिपादकत्व, स्वर्गादि जो होते हैं इसका फल तो, ये स्वर्गादि जो फल है वो तो क्षय होता है, विनाशी होता है। इसलिए स्वर्गादि सुखों में क्षयिता होगी ना, विनाश होगा वो, तो क्षयिता का मतलब विनाश का प्रतिपादन करता है श्रुति प्रमाण। और ब्रह्म ज्ञानस्य, जो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान परम पुरुषार्थ प्राप्ति का हेतु होता है, इसलिए बोलते हैं परम पुरुषार्थता, परम पुरुषार्थो यस्य, है ना। तत्परम पुरुषार्थम, तस्य भाव परम पुरुषार्थता, परम पुरुषार्थ मतलब जिसका फल परम पुरुषार्थ है। किसका फल? ब्रह्म ज्ञान का। ऐसा प्रतिपादन करने वाला प्रतिपादक कौन? आगम श्रुति प्रमाण। तरति शोकम आत्मवेत ब्रह्मवेत आपनोति परम तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अजनाय, ऐसा है। इले अज्ञानादेव संसारो ज्ञानादेव विमुच्यते, श्रुति बहुत है ना। ये तात्पर्य हुआ। आगे देखोगे तो फिर क्या करना चाहिए? इतना समझ लिया तो, समझ लिया तो क्या करना चाहिए? हम समझ गए कि स्वर्ग आदि फल अनित्य होता है और ब्रह्म ज्ञान का फल मोक्ष नित्य होता है। आपने जान लिया, समझ लिया, तो आपका क्या कर्तव्य है? आपको मनुष्य जीवन मिला है तो आपका क्या कर्तव्य है? बोलते हैं कि ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रयत्न करो, और क्या है ये बोलते हैं। देखो पहले साधन तो जो संपन्न हो जाओ, अपने को पहले अधिकारी बनाओ। इसलिए बोलते अतः, अथ अतः शब्द से ही हुआ है ना, यथोक्त साधना संपत्ति, ये देखो लिखे यथोक्त साधना संपत्ति। यथोक्त साधन क्या है? पहले जो कहा गया, विवेक वैराग्य समाधि सठ और मुमुक्षुत्व, ये हो गया संपत्ति। यही है धन,
ऐसा धन यदि मिल गया तो धन का उपयोग करो। धन का उपयोग करो ना, धन का उपयोग किसमें करना है? ज्ञान में करना है, ज्ञान की प्राप्ति में करना चाहिए। ये बोलते हैं देखो, ततश्च, ततश्च मतलब उससे, किससे? साधन चतुष्ट संपत्ति के अनंतर हो जाने पर, तथा का अर्थ ब्रह्म जिज्ञासा। आप ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, इति सिद्धम, ये सिद्ध हो गया है ना। उसके बाद देखो, दो पद का आप लोगों ने विचार किया, हम लोगों ने अथ, हाँ जी, भाई हेतु अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है ना, अतः ये पंचमी विभक्ति है ना। पंचमी विभक्ति अर्थ में तसील प्रत्यय होता है ना, इदम शब्द से तसील प्रत्यय करेंगे तो अतः बनता है। यहाँ पर पंचमी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति का अर्थ क्या हो गया? हेतु, इस हेतु से, समझ में ना, किस हेतु से? कि श्रुति प्रमाण हेतु से, है कि नहीं? श्रुति प्रमाण हुआ ना हेतु, किसके प्रति हेतु हुआ? इसके प्रति हो गए, है कि ज्ञान के प्रति हेतु हुआ ना, ज्ञान के प्रति हेतु श्रुति प्रमाण हुआ। किस ज्ञान के प्रति? कि स्वर्ग आदि जो फल होता है अनित्य है, इसमें क्या हेतु है? प्रमाण, श्रुति प्रमाण। अब ब्रह्म ज्ञान का फल क्या है? परम पुरुषार्थ मोक्ष है, इसमें क्या प्रमाण है? श्रुति प्रमाण है। तो श्रुति प्रमाण होने से श्रुति भगवती बोल रही है, ये साधक साधक में ये विश्वास होगा कि नहीं, बताओ? साधक का बोल तो श्रुति प्रमाण है, श्रुति प्रमाण कह रही है ना कि कर्म उपासना का फल क्या है, वो तो स्वर्ग आदि ही अनित्य फल है। अब ब्रह्म ज्ञान का फल क्या है? नित्य है, इसलिए मुझे किसमें लगना चाहिए, ये कहना चाहते हैं, इसलिए मुझे ब्रह्म ज्ञान के लिए लगना चाहिए, ये बोल रहा है। अब आई पकड़ में? चलो, नहीं तो आगे बढ़ नहीं सकता ना, श्रुति प्रमाण को जो नहीं रखेगा सामने तो आगे कैसे बढ़ेगा वो। बाकी लोग ये बात को नहीं सुनेगा, तुम बोलते रहो, हम तो श्रुति की बात को ही मानेंगे, बोलेगा कि नहीं? शास्त्र कह रहा है इसलिए हम शास्त्र को मानेंगे, तुम्हारी बात हम क्यों मानेंगे? ये कहना चाहते हैं, ठीक है ना। हाँ बोलो। अरे भी इदम शब्द से तसील करेंगे तो अतः बनता है। हाँ, अतः तसील प्रत्यंत हो गया, तसील प्रत्यंत होने से अव्यय होगा, ऐसा है। तो दो पद का विचार हो गया, तीसरा पद होता है ब्रह्म जिज्ञासा, तीसरा पद है श्रुति में, ये सूत्र में ब्रह्म जिज्ञासा। यहाँ पर समास है, ब्रह्मण जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा, ये करना है, ठीक है ना। हाँ, षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ, सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास, ब्रह्मण जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा। जैसे राज्ञः पुरुष, राजपुरुष, राजा का ये व्यक्ति है, इसको कहते हैं राजपुरुष, षष्ठी तत्पुरुष समास है। लघु सिद्धांत के मध्य में पढ़े हो, ब्रह्मसूत्र आप लोग समझ जाओ इसलिए लोग ये समास पढ़ाया। इसी प्रकार से ब्रह्मण जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा षष्ठी तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। अब विचार इसके ऊपर करते हैं, देखो, ब्रह्म जिज्ञासा पद व्याख्यानम आह, भामती है, ब्रह्म जिज्ञासा जो पद है, प्रथमा का एक वचन ब्रह्म जिज्ञासा, स्त्रीलिंग है, रमा का जैसे रमा होता है, ब्रह्म जिज्ञासा सन प्रत्यंत है ना। तो ब्रह्म जिज्ञासा जो पद है, इसका व्याख्यान करते हैं भगवान भाष्यकार। देखो, कहते हैं कि भाष्य में देख लीजिए, तस्मा यथोक्त संपत्ति अनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य। हाँ, ये पंक्ति को ले लो पहले, तस्मा मतलब इसलिए, है किस लिए? पहले बता दिया, कर्म का फल अनित्य होता है, कर्म से उपासना भी ले लो, और ज्ञान का फल नित्य होता है, ये श्रुति प्रमाण बोल रही है। इसलिए यथोक्त साधन संपत्ति अनंतरम,
चतुर्थ साधन वही हो गया विवेक आदि। उसके अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या, कर्तव्या पद का अध्यार हुआ। सूत्र में तीन पद हो गए, अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा है, ब्रह्म जिज्ञासा का विधान कर रहे हैं, इसलिए कर्तव्या करनी चाहिए। एक पद का अध्यार हो गया कर्तव्य पद का, इसलिए भाष्यकार लिखे हैं कर्तव्य करनी चाहिए, दूसरा कुछ नहीं करने चाहिए। हाँ चित्त शुद्ध के लिए करो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ब्रह्म चित्त शुद्धि भी करो किस लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए हमको विचार करना है। ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ करेंगे आगे, ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार, जिस ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होगी है उसको कहेंगे ब्रह्म ज्ञान। उस ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार ये अर्थ होगा, विचार करना चाहिए है ना। चलो इसके ऊपर विचार आगे, ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्मणो जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा देखो हो गए, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, ब्रह्म की जिज्ञासा है ना। टीका देखो है, षष्ठी समास प्रदर्शनेन प्राचाम, षष्ठी समास हुआ, षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ, इसके ऊपर प्राचाम वृत्ति कृताम, जो कुछ प्राचीन आचार्य लोग हैं वृत्ति कृताम, वृत्तिकार वृत्ति लिखे हैं, व्याख्यान किए हैं, उपवर्ष आचार्य है ये ब्रह्मसूत्र के ऊपर भी वो पहले व्याख्यान किया था, सूत्र के ऊपर है ना, सूत्र के ऊपर जो व्याख्यान किए थे वो वृत्तिकार बोलते हैं उसको, उपवर्ष आचार्य, तो वो अलग ढंग से व्याख्यान किए थे, इसको कहते हैं वृत्ति कृताम। वो कहते हैं चतुर्थी तत्पुरुष समास, ब्रह्मणे जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसा चतुर्थी तत्पुरुष समास हो गया, ब्रह्मण शब्द का चतुर्थी वचन बनेगा ब्रह्मणे है ना, तो ब्रह्मणे जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा है मतलब ब्रह्म के लिए ऐसा अर्थ करते हैं वो लोग। इति चतुर्थी समास, ये जो चतुर्थी तत्पुरुष समास करते हैं उसका परास्त, उसका निराकरण यहाँ पर किया गया, चतुर्थी तत्पुरुष समास नहीं है अभी, ये ज्ञान का प्रकरण चल रहा है, ये कोई उपासना का प्रकरण नहीं है यहाँ पर कर्म उपासना तो सब कर चुका है वो, अब ज्ञान में लगा है वो है कि नहीं, इसलिए यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास ही करना चाहिए ये बोलते हैं सिद्धांत। हाँ जी हाँ जी पर पर्याय है, जिज्ञासा का अर्थ ही विचार है ये कहेंगे, हाँ जिज्ञासा का अर्थ ज्ञान के लिए विचार ये अर्थ करेंगे, ज्ञान के लिए विचार जिज्ञासा का अर्थ होगा ठीक है ना। इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा समुदाय ब्रह्म जिज्ञासा पद का अर्थ क्या होगा, ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार ये अर्थ किया जाए, इच्छा नहीं यहाँ पर, कुछ लोग इच्छा बोलते हैं, इच्छा से यहाँ पर कोई मतलब नहीं, ब्रह्म ज्ञान के लिए इच्छा तो पहले हो जाएगी ना इच्छा के बाद विचार होगा, इसलिए ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार करना चाहिए ये अर्थ करेंगे। इसलिए जिज्ञासा कहो और ज्ञान के लिए विचार कहो, एक ही अर्थ होगा है ना। चलिए नहीं नहीं ऐसा यहाँ पर तात्पर्य नहीं है, ये तात्पर्य नहीं यहाँ पर, आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य ये तीन है, श्रवण मनन निध्यासन यही होता है विचार। विचार क्यों करना है, ज्ञान के लिए विचार करना है, किसका ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान ये अर्थ होता है ठीक है ना। ब्रह्म ज्ञान अपने अंतःकरण में अभिव्यक्त हो जाए उसी के लिए विचार है ये अर्थ होता है। चलिए वो तो प्रवचन करने वाले कुछ ना कुछ बोलते हैं, वो तात्पर्य यहाँ पर नहीं, परम
उससे कोई तात्पर्य नहीं है। कहने का अभिप्राय है कि यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है ना, वही अर्थ यहाँ पर लेना चाहिए, है ना। हाँ, क्योंकि हाँ, प्रसंग के अनुसार, परंपरा के अनुसार यही अर्थ है यहाँ पर, कि ब्रह्म ज्ञान हो जाए। कौन सा ब्रह्म ज्ञान? अज्ञान को दूर करने वाला ब्रह्म ज्ञान। और ज्ञान को दूर करने वाला जो ब्रह्म ज्ञान है, उस ब्रह्म ज्ञान के लिए साधक को विचार करना चाहिए, ये कह रहे हैं ये यहाँ पर। चलो देखो, तो यहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष समास करते हैं कुछ विद्वान लोग, वृत्तिकार लोग, उसका यहाँ पर निराकरण किया जा रहा है ना। क्यों? देखो, व्याकरण की बात थोड़ी आ रही है। तादर्थ समासे प्रकृति विकृति ग्रहणम कर्तव्यम। यहाँ पर एक वार्तिककार हुए व्याकरण में, महर्षि कात्यायन। चतुर्थी तत्पुरुष समास वहीं पर होता है, तादर्थ समास से। जहाँ पर तादर्थ समास होता है वहाँ पर प्रकृति विकृति ग्रहणम कर्तव्यम, ऐसा वार्तिककार ने कहा, व्याकरण के वार्तिककार ने कहा। मतलब जैसे कह रहे उपाय दारू, ये चतुर्थी तत्पुरुष समास हो गया। चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित शुक्र रक्षित ही, लघु कौमुदी में सूत्र आया। और तादर्थ, जैसे ये दारू मतलब लकड़ी, लकड़ी ये लकड़ी किसके लिए है? युपाय, खम्बे के लिए है। खम्बे के लिए कहो, मूर्ति के लिए। ये लकड़ी किस लिए रखी है? बोलते हैं मूर्ति बनाने के लिए रखी है ना। तो खम्बा बनाने के लिए रखी है, तो खम्बा हो गया कार्य, मूर्ति हो गया कार्य, और दारू जो लकड़ी हो गया कारण, उपादान, समवायी कारण। जहाँ पर उपादान उपादेय भाव होता है वहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष होता है तादार्थ में, ये बोलते हैं उसके लिए। ठीक है, तो कौन कहा ये? इति कात्यायनीय वचने ना। कात्यायन होते हैं वार्तिककार, भाई व्याकरण के, है ना। तो कात्यायन महर्षि का जो वचन है वार्तिक, उसके आधार पर, जैसे युपदारादिशु एव, युपदारु शब्द होता है यहाँ पर, जैसे प्रकृति विकार भावे चतुर्थी समास नियमात। जहाँ पर प्रकृति विकार भाव होता है, प्रकृति में उपादान कारण, जैसे काष्ठ हो गया उपादान कारण, युप जो खम्बा हो गया विकार हो गया कार्य हो गया, इसलिए वहाँ पर युपदारों में चतुर्थी तत्पुरुष समास हुआ तादर्थ में, है ना। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है अभी ब्रह्म और जिज्ञासा में, यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, ये बोलते हैं। अप्रकृति विकार भूते इत्येवम आदौ तन्निषेधा। जहाँ पर प्रकृति विकार भाव नहीं है वहाँ पर जो है चतुर्थी तत्पुरुष समास नहीं होता है, ये बोलते हैं। जैसे अश्वघासादय षष्टी समासा भविष्यन्ति। जैसे अश्वघास है ना, अश्वस्य घास है इति अश्वघास, ये जो घास रखा हरा हरा घास, एक ही हाँ, किसके लिए रखे हो? अश्व, अश्व घोड़ा, घोड़ा। यहाँ पर चतुर्थी नहीं होती है समास चतुर्थी समास नहीं होता है, षष्टी तत्पुरुष समास होता है। इसलिए अश्वस्य घास अश्व घास, अश्वाय घास नहीं होता है, ये व्याकरण का नियम है, आप लोग ना घबराओ व्याकरण आने पर भी, है ना। अश्व घासादयः षष्ठी समास भविष्यन्ति, यहाँ पर षष्ठी समास होते हैं ये कहा गया व्याकरण में। इति अश्व घासादिषु षष्ठी समास विधानात्। अश्व घास इत्यादि शब्द में चतुर्थी तत्पुरुष समास का विधान नहीं होता है, षष्ठी तत्पुरुष समास का विधान होता है, क्योंकि अश्व और घास में प्रकृति विकृति भाव नहीं है, कार्यकरण भाव नहीं है समझ में ना। ठीक इसी प्रकार से षष्ठी समासे अपि ब्रह्मणो वास्तव प्राधान्य उपपत्ति। इसलिए यहाँ पर षष्ठी समास तो करेंगे, ब्रह्मण जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा। और षष्ठी तत्पुरुष समास होने पर यद्यपि उत्तर पदार्थ प्रधान होता है, प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधानो,
तत्पुरुषः, जैसे राज्ञः पुरुषः, फिर भी कहीं कहीं पूर्व पदार्थ भी प्रधान हो जाता है। जैसे देखो ब्रह्मण जिज्ञासा, जिज्ञासा यहाँ पर ब्रह्म प्रधान है, जिज्ञासा प्रधान नहीं है, ब्रह्म ही मुख्य है, ये ब्रह्म ही प्रधान है ये बोलते हैं। यहाँ तक विचार हो गया, क्या समास हुआ यहाँ पर? ब्रह्मण जिज्ञासा में षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ, मतलब ब्रह्मा संबंधी जिज्ञासा है ना। जिज्ञासा जो करना है, विचार जो करना है ज्ञान के लिए, वो किसका करना है? ब्रह्मा का करना है, और दूसरे का विचार नहीं है यहाँ पर है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? कुछ लोग विचार तो करते हैं वेदांत का, वो विद्वान बनने के लिए करते हैं तो ब्रह्म ज्ञान के लिए कहाँ हुआ वो? लोगों को सुधारने के लिए विचार करना, ऐसा विचार किस काम का है? अपना अज्ञान दूर हो जाए, ऐसा ब्रह्म ज्ञान हो, है ना, उसी के लिए विचार करना होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।